पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने अकाली दल पर जुबानी हमला बोला है। राजकुमार वेरका ने कहा है कि मजीठिया मामले में अकाली दल कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन यह मामला नया नहीं बल्कि पुराना है और उन्हीं की सरकार में यह मामला सामने आया था। राजकुमार वेरका ने कहा है कि जब वर्ष 2012 में अकाली दल की पंजाब में सरकार थी और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल उस समय पंजाब के होम मिनिस्टर थे और उनकी ही बहन हरसिमरत बादल केंद्र में मंत्री थी, अकाली दल कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले अपने गृहवान में झांक कर देखे, वह अगर सही है तो कानून के सामने पेश हों। अकाली दल साढ़े ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने साजिश रची। मैं ये कहना चाहना कि जिस वक्त का केस है, जिस वक्त जगदीश भोला DSP रिटायर्ड वो जिस वक्त फड़िया गया, उन्हें जो कोर्ट च बयान दिते उस वक्त इन्हों का जीजा इतने पंजाब च होम मिनिस्टर से, इन्हों की भैन केंद्र के मंत्री सी, एक गल क्लीयर है।